जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे श्रापित किताबों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दुनिया भर में कई लोगों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि यह किताबें असली में कर्स्ड हैं और यह सभी बुक्स किसी न किसी सुरक्षित म्यूजियम में संभाल कर रखी गई हैं। अगर यह किताब आम लोगों के हाथ में आ जाए तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के थ्री Most cursed book in the world that you should never read. नंबर 4, दी लेसर की ऑफ सोलोमोन। दी लेसर की ऑफ सोलोमोन, जिसे कैल्विकुला सोलोमोनिस रीजन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने वाला अभी तक अज्ञात है और इस किताब को दानव शास्त्र अभिशाप भी कहा जाता है। यह बुक 17 सेंचुरी में पाई गई थी। इस किताब में लिखा गया है कि मरे हुए लोगों और राक्षसों की आत्माओं को कैसे बुलाया जाए और इन पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। इस प्राचीन किताब में शाप और अहवान का भी एक बड़ी भूमिका निभाया गया है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे गायब हो सके और चोरी और खोई हुई वस्तुओं को कैसे पता लगाया जा सके। यह किताब कोई ऐसी किताब नहीं है जो आप अपने पास रखेंगे। अगर आपने यह बुक अपने बुक शेल्फ पर रखी तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने यह बुक अपने पास रखी उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई, जैसे किताब के पेज अपने आप पलटना और किताब का हिंसात्मक रूप से हवा में उड़ना। और इस बुक के ओनर्स ने यह भी कहा कि हमें रात को फुसफुसाने की आवाज भी आती है। कहा जाता है कि अगर इस बुक के पेज को जला दे और इसकी राह को निपटा दे तो इस किताब का अभिशाप टूट जाएगा। नंबर 3, द बुक ऑफ सोएगा। यह बुक राक्षसों के बारे में लिखी गई बुक है। यह किताब 16 सेंचुरी की है। द बुक ऑफ सोएगा की मात्र दो ही कॉपी मौजूद है। पहली कॉपी एक स्कॉलर जॉन डी के पास थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को डिकोड करने में लगा दी। डी ने बताया कि जब यह किताब उसके पास आई तो उसने इस किताब को डिकोड करना शुरू कर दिया। और डी ने यह भी बताया कि यह किताब पूरी तरह से शैतानी है और इस किताब में शैतानी रिचुअल्स और भस्म इत्यादि के बारे में भी लिखा गया है। हालांकि डी को लास्ट 36 पेज को डिकोड करने में काफी समय लगा, लेकिन एंड में उन्होंने यूरियल की मदद मांगी। यूरियल ने बताया कि यह बुक तब अस्तित्व में आई जब एडम ने सुरक को खत्म कर दिया। और यह भी लिखा गया था कि इस किताब को केवल आर्चेंजल माइकल ही ट्रांसलेट कर सकता था, और अगर आप खुद इस किताब को ट्रांसलेट करोगे तो सावधान रहे। इस किताब में कहा गया है कि अगर कोई भी इस बुक को सक्सेसफुली डिकोड करेगा तो उसकी मृत्यु अगले 2.5 वर्ष में होनी तय है। नंबर 2, द कोडस कीगस। इस कर्स्ड बुक को द डाइवल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को 12th सेंचुरी का माना जाता है और इस किताब का वजन तकरीबन 82 किलो तक है। इस बुक में इतनी नकारात्मक एनर्जी है कि इसके चलते स्टीफन किंग भी शर्मा जाएंगे। माना जाता है द डेविल्स बाइबल बुक को एक साधु द्वारा लिखा गया था, जिसने अपने आध्यात्मिक प्रतिज्ञा को तोड़ा था और इस अपराध के कारण उसे ईंट की दीवार में चिनवा देने की सजा हुई थी। लेकिन मरने से एक दिन पहले साधु ने एक किताब में मानवीय अनुभवों के बारे में सब कुछ जानना शुरू कर दिया। जब उसने यह महसूस हुआ कि उसके पास इस किताब को पूरा करने के लिए समय नहीं है तो उसने लूसीफर को बुलाया। अगर आप लूसीफर को नहीं जानते तो मैं बता दूं, लूसीफर एक गॉड ऑफ हेल है। लूसीफर ने साधु की मदद करने के बदले साधु की आत्मा उससे मांगी और साधु ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। इसका मतलब यह है कि इस किताब को शैतान ने खुद लिखा था। इस किताब में एक 19 इंच के शैतान और अन्य राक्षसों का एक चित्र है और इस किताब में कई राक्षसी रिचुअल्स का भी वर्णन किया गया है। नंबर 1, द ग्रैंड ग्रिम्योर। यह किताब आज तक की सबसे कर्स्ड बुक मानी जाती है। यह किताब 16 सेंचुरी में एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी जिसको शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा था, इसलिए इसे अक्सर द गॉस्पेल ऑफ शैतान के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब गहरे रहस्य और शैतानी अवतारों से भरी हुई है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे पावरफुल राक्षसों को बुलाए और मरे हुए व्यक्ति को कैसे जिंदा करें, लेकिन यह सब सती पाने के लिए आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। माना जाता है अगर कोई भी इस किताब को पूरा पढ़ता है तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा शैतान को देने के लिए तैयार है। इसी कारण की वजह से इसे सबसे ज्यादा डेंजरस कर्स्ड बुक माना जाता है और इसे वेटिकन सिटी की किसी सीक्रेट ठिकाने में सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और शुद्ध हिंदी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पे क्लिक कर दें, ताकि आगे चलकर जब भी मैं कोई नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।